अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी ये है फ्राइडे का व्लॉग, जो कि आप आई थिंक थोड़ा सा लेट देख रहे हैं, लेकिन जी फ्राइडे को हम लोग गए थे मुसाफी फ्राइडे मार्केट, जो कि फुजैरा में है। और बस ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव का मूड हुआ। आपको पता कि ये इतनी गर्मी है कि हम किसी भी ओपन प्लेस पर विज़िट नहीं कर सकते, तो फिर इसीलिए लॉन्ग ड्राइव तो की जा सकती है। तो और वहाँ पे बहुत मज़े के मिलते हैं सिट्टे, तो हमारे माइंड में वही थे, तो हमने सोचा चलो वो भी खाते हैं और थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि फ्राइडे मार्केट है जो मुसाफी जो हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है, फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और उसके अलावा जो मेन वजह है जिसकी वजह से बहुत फेमस है, वो है वहाँ के कारपेट्स, कालीन। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी में होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। और कारपेट्स वगैरह के अलावा वहाँ पे मिलते हैं मिट्टी के बर्तनों की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर, जिस तरह सेम पाकिस्तान में मिलता है सब कुछ ना, वो मिलता है वहाँ पे। और उसके अलावा स्टील के बर्तन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ पैरट्स वगैरह की भी शॉप्स हैं। तो हमारा तो रीज़न वहाँ पर कुछ शॉपिंग करने जाने का नहीं है, हाँ अगर कुछ अच्छा लग जाता है तो वो लेना एक अलग बात है, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ आप साथ में देखते जाइए कि रास्ता इसका कितना, क्योंकि ये है पहाड़ों की तरफ ही जाकर आता है, तो ज़ाहिर साइड से सारे आपको खूबसूरत खूबसूरत से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। और ये जो है मार्केट जहाँ का मैं भी आपको बता रही हूँ, ये हमारे अजमान से मतलब हमारे घर से मैक्सिमम 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि 1.5 आवर के करीब आप कह सकते हैं कि 1.5 आवर की जो है वो ड्राइव है यहाँ तक जाने की। तो अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव हो गई, अच्छा डे हमने स्पेंड किया यहाँ पर। और जी अब हम पहुँच चुके हैं मार्केट में। यहाँ पर इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी कि बहुत मुश्किल से हम इन शॉप्स में पहुँचे हैं, तो इसलिए मैं आपको जो कारपेट्स जो मेन इसकी जगह वही नहीं दिखा सकी, उनकी शॉप्स नहीं विज़िट करवा सकी। लेकिन ये देखिए जो मेन सेकेंड चीज़ें जो है ना यहाँ की, वो है ये मिट्टी के बर्तन, इनके गमले बने हुए हैं यहाँ पर, डिफरेंट स्टाइल के वास बने हुए हैं जो कि आप एज अ डेकोरेशन पीस यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या कहते हैं इनको, जो चंगेर टाइप की चीज़ें कहते हैं ना हमारे, तो ये वो होती हैं, इसकी भी बहुत बड़ी यहाँ पे रेंज मौजूद थी। और आपको आगे पीछे हर तरफ यहाँ पे ना खूबसूरत से जो है वो डिज़ाइन के सब चीज़ें नज़र आएंगी, सब जो है वो शो पीसीज हैं मोस्टली, जो कि गार्डन्स में रखते हैं या फिर आप अपने ड्राइंग रूम्स वगैरह में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी अभी हम लोग उसी शॉप के सुख को चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए हम आए थे वो तो बेचारे हमारे सिट्टे यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, तो जो हमारी ख्वाहिशात थी उन्हें लेके वो तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो सोचा इन शॉप्स को थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। ये देखिए, ये हैं जी हमारे वो टिपिकल हाथ वाले पंखे जो पाकिस्तान में बहुत अर्से तक इस्तेमाल होते रहे हैं, अब तो बहुत कम ही हो गया इनका ट्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएस वगैरह बहुत इन हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं, और एक छोटू सा फ़ैन था बिल्कुल रितो जैसे, मतलब रिदाज जैसे बेबीज़ के लिए, तो वो भी लिया, मैंने आपको दिखाती हूँ अभी आगे। ये है वो फ़ैन जो घर आती खो गया है, पता नहीं इसने कहाँ रखा है कि मिल ही नहीं रहा। ये देखिए जी, ये बने हुए हैं मिट्टी के टर्टल्स, छोटे बड़े मतलब डिफरेंट साइज़ के बनाए हुए थे, कुएँ बनाए हुए हैं इन्होंने दो डिफरेंट तरह के। यहाँ भी देखिए इसकी ज़रा कम्प्लीट लुक ही कितने खूबसूरत लग रहे थे, एक तो चलिए टर्टल वाला डिज़ाइन बहुत खूबसूरत सा है, और ये देखिए कितना खूबसूरत और एलिगेंट सा ये कुआं बना हुआ है, और स्पेशली पानी भी साथ चलाया हुआ है इन्होंने। और ये वाला शोपीस देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ना, लाइट लाइट सी लाइट है उसके अंदर और पानी आ रहा है बाहर। उसके अलावा यहाँ पर जो मिट्टी के गल्ले मिलते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, वो भी बहुत ज़्यादा थे। ये बखूर के आई थिंक कप से ये जो स्टैंड होता है उसका, वो भी हैं। और उसके अलावा मिट्टी की हांडियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हांडियाँ थी डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट जो है ना कैपेसिटी की, और उनके साथ उनके लिड्स भी थे। ये हैं जी गमलों के डिज़ाइंस खूबसूरत से, एंड अदर ब्यूटीफुल क्रिएशन जो आप अभी सामने देख रहे हैं, ये हैं जी डियर्स जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज से बैठे हुए हैं। और ये है वो मिट्टी की गुल्लक या गल्ले जो मैं आपको पहले बता रही थी, सेम पाकिस्तानी टाइप। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ ये वो दो मिट्टी की हांडियाँ जो कि हम लोगों ने वहाँ से बाय की हैं, एक ज़रा छोटे साइज़ की है और जो दूसरी है वो बड़े साइज़ में, यानी इतना है कि हमारी जो फैमिली है पूरी उसके लिहाज से खाना एक बॉक्स के अंदर बन सकता है। तो देखते हैं अब से नेक्स्ट टाइम मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, शायद किसी नेक्स्ट खाने में आप इसे देखेंगे यूटिलाइज़ करते हुए मुझे। तो आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने कभी इस तरह की हांडियाँ यूज़ की हैं तो कैसा एक्सपीरियंस। और खाना चूँकि हम लोगों ने नहीं बनाया था, तो हमने ऑर्डर किया ये अलमूर से फ़तायर,
जो मेरी सिस्टर्स यहाँ पर यूएई में रहती हैं उन्होंने इसको ज़रूर टेस्ट किया होगा। और अलमूर जो है वो एक फेमस ब्रांड है यहाँ का, जो कि ये फ़तायर बनाते हैं। फ़तायर एक अरेबियन डिश है, कह लें कि एक मैदे की कुछ भी रोटी टाइप से आप कह सकते हैं, और इसके अंदर फिलिंग होती है चिकन की, चिकन विद क्रीम और चीज़, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ भी डलवा सकते हैं हम और मीडियम चीज़ भी रख सकते हैं, इस तरह की फिलिंग होती है इसकी। बहुत मज़े का टेस्ट में, तो अभी हम करेंगे इसे इंजॉय। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।